कुछ दिनों पहले हमने आपको Zoom पर बताया था कि नवाजुद्दीन has been requesting आमिर खान to promote his film Mountain Man on his social show. और अब लगता है इस रूमर में सच्चाई जुड़ी है, क्योंकि आमिर के शो में नवाजुद्दीन की फिल्म के लीड कैरेक्टर जो कि दशरथ मंझी से इंस्पायर्ड है उसी से शुरुआत की जाएगी। बता दें कि आमिर खान ने तो दशरथ मंझी के विलेज को विजिट भी किया था और नवाज इस बात से काफी खुश है कि आमिर के शो की शुरुआत ही उनकी फिल्म की स्टोरी से होगी। लिसन अप टू नवाजुद्दीन ऑन व्हाट ही हैज टू से। मुझे लगता है जो भी है वो अच्छा ही होता है, और चूंकि वो इतनी स्टोरी में इतनी खूबसूरत स्टोरी है और इतनी बड़ी है कि उसको तो पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को मालूम होनी चाहिए ये स्टोरी के बारे में, बल्कि बहुत सारी फिल्में भी बननी चाहिए इसके ऊपर तो, और बहुत सारे एपिसोड भी बनने चाहिए। और चूँकि आमिर साहब को इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा डेफिनेटली, तभी वो पहला एपिसोड है उनका, तो चूँकि अपने आप में ये स्टोरी या वो कैरेक्टर इतने इंटरेस्टिंग है तो हम पे कोई मुझे तो और अच्छा लग रहा है कि हमारा काफ़ी काम जो है ना आसान हो जाएगा। नवाज का ये भी मानना है कि आमिर खान के शो के जरिए या किसी भी और तरह से माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। दशरथ मांझी के बारे में जबकि पूरे वर्ल्ड को आज इस वक्त जानना चाहिए था, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी बहुत कम लोग जानते हैं अभी उनको, तो ये तो वो ऐसी शख्सियत है कि उसको तो हर आदमी को पूरे वर्ल्ड में जानना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ जो आमिर साहब जो अपने एपिसोड के जरिए दिखा रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारी फिल्म आएगी तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। That means Nawaz has no problems if through Aamir show the story of his film is revealed there. तो क्या Nawaz अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आमिर के शो पर जाएंगे? नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन वो तो हमारे डायरेक्टर पे डिपेंड करता है किस तरीके से प्लान करेंगे। इस पर तो नवाज ने ये कह दिया कि अगर फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटजी में प्लान है टू गो ऑन आमिर शो, इन दैट केस ही विल नॉट माइंड। नवाज जाए या ना जाए ये तो बाद में ही पता चलेगा, बट आमिर के शो के जरिए फिलहाल तो नवाज की फिल्म को भी काफी लाइमलाइट मिल गई है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।